पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शुक्रवार को मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट और हेल्थ रिसर्च सेंटर द्वारा एक निशुल्क कृत्रिम अंग वितरण हेतु जांच शिविर और निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज एशियन विवेकानंद अस्पताल परिसर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। किवानिस क्लब ऑफ नई दिल्ली सेंटर फॉर साइट आंखों का अस्पताल ईपीसीएच मुरादाबाद यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी नवयुवक निर्यातकों की संस्था इनरविल क्लब एसेंस एवं मित्राक्षी लेडीज क्लब के सहयोग से किया गया। शिविर में किवानी क्लब ऑफ नई दिल्ली के विशेषज्ञ चिकित्सकों और उनकी टीम के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंग कैलिपर से तैयार करने हेतु उनके नाप लिए गए। सेंटर फॉर साइट आंखों के अस्पताल में 50 मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों के ट्रस्ट की ओर से ऑपरेशन निशुल्क कराए जाएंगे और चश्मे भी निशुल्क वितरित किए जाएंगे। इसी क्रम में 12 जनवरी को भी शिविर का आयोजन इसी स्थान पर किया जाएगा। इस अवसर पर ट्रस्ट की ओर से निदेशक डॉक्टर हरजीत सिंह ने बताया कि ट्रस्ट भविष्य में भी इस प्रकार के शिविरों का आयोजन वर्ष में 2 बार करता रहेगा। इस अवसर पर ट्रस्ट की ओर से सचिव विनोद खन्ना और अन्य ट्रस्टीगण नजमुल इस्लाम, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस नवैदुर रहमान, अध्यक्ष मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन अवधेश अग्रवाल, महासचिव मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन इनरविल क्लब एसेंस के सदस्यगण, मित्राक्षी लेडीज क्लब के सदस्य, यंग एंटरप्रेन्योर्स सोसाइटी के सदस्यगण, विवेकानंद कॉलेज स्कूल ऑफ नर्सिंग की ओर से निदेशक डॉक्टर हरजीत सिंह, जीएम फाइनेंस अनुराग शंकर मिश्रा और अन्य सदस्यगण भी उपस्थित रहे। सभी ने आयोजित कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया। मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से विकलांगों के लिए एक कृत्रिम अंग वितरण हेतु जांच शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें विकलांगों के आज नाप ली जाएगी और 1 महीने बाद उनको कृत्रिम अंग वितरित किए जाएंगे। इसके साथ साथ मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट ने ही आई ऑपरेशंस का भी इंतजाम किया है। निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशंस किए जाएंगे और जितने चयनित मरीज हैं उनको चश्मे भी निशुल्क दिए जाएंगे। इसी क्रम में हमने 60 मरीजों को मोतियाबिंद के लिए चयनित किया हुआ है और कृत्रिम अंग के लिए अभी तक 70 मरीज हमारे पास आ चुके हैं। लगभग हमने 1500 मरीजों को फ़ोन किए हुए, जो काम ये आज चल रहा है इसी क्रम में ये कल भी चलता रहेगा।